नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे वीडियो में आप देखेंगे कुछ मनोविज्ञान जो प्रयोग हुए थे उनके संबंध में है प्रश्न, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। तो हम इस पर चलते हैं। जैसे नंबर एक है थर्ड एक्ट के तीन मुख्य नियम। दोस्तों थर्ड एक्ट ने आठ नियम दिए थे। नंबर तीन जो थे वो मुख्य नियम कहलाते हैं, पांच गौण नियम कहलाते हैं। इनमें है नंबर एक अभ्यास, नंबर दो तत्परता, नंबर तीन प्रभाव का नियम। ये तीन नियम इनके मुख्य थे। और जो गौण नियम थे वो है नंबर एक भाव प्रतिक्रिया का नियम, नंबर दो मानसिक स्थिति का नियम, नंबर तीन आंशिक क्रिया का नियम और नंबर चार समानता का नियम, नंबर पाँच सहचर्य प्रवर्तन का नियम। अब आते हैं इनमें जो थर्ड एक्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ये 1898 व 1913 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था और ये सन 1904 में किया था। इसी प्रकार जो है स्किनर वैज्ञानिक थे उनका जो सिद्धांत था वो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत था और इसका प्रतिपादन उन्होंने 1938 में किया था और प्रयोग चूहे एवं कबूतर पर किया था इन्होंने इसके बाद जो है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत जो था ये किसने और किस पर किया था। तो ये इनको गेस्टलवादी भी कहते हैं, गेस्टलवादियों ने किया था दिया था ये सिद्धांत। और जो गेस्टलवादी वैज्ञानिक थे इसे प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टलवादी वैज्ञानिक नाम बताइए या सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके जो वैज्ञानिक थे वो हैं कोहलर, वर्डिमर, कोपखा। वर्डिमर जो मुख्य रूप से थे इन्होंने ये प्रयोग प्रारंभ किया था और कोहलर और कोपखा ने ये पूरा किया था। इनका प्रयोग जो था वो एक वनमानस पर हुआ था जिसका नाम था सुल्तान। इसी प्रकार जो है थर्ड एक्ट का सिद्धांत किस पर था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर किया था। इसके बाद आता है बुद्धि लब्धि का सिद्धांत, ये अल्बर्ट विने एवं साइमन ने दिया था। सूत्र इस प्रकार है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणा 100। किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आय उसकी हम देखते हैं कि बच्चा कितनी उम्र का कार्य कर रहा है, जो वास्तविक आय होती है उसके यहाँ लिखे 100 से गुणा कर देते हैं, जो भी आंसर आता है वो उसकी बुद्धि लब्धि कहलाती है। जब बुद्धि लब्धि की जो टर्मन के अनुसार टेबल बनाई थी वो 140 से अधिक, बहुत कम ना के बराबर 1% बच्चे जो होते हैं 140 से अधिक होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और 121 से 140 तक के जो बच्चे होते हैं ये 5% होते हैं, तो प्रखर बुद्धि में आते हैं। इसके बाद जो है 111 से लेके 120 तक जिनकी बुद्धि लब्धि 111 से 120 तक आती है दोस्तों ये 14% होते हैं मात्र और तीव्र बुद्धि में आते हैं, इनकी बुद्धि तीव्र होती है। और इसके बाद 91 से 110 के बीच जो भी बच्चे आते हैं इनकी बुद्धि लब्धि 91 से 110 होती है, ऐसे बच्चे मात्र 60% होते हैं और ये सामान्य बुद्धि में आते हैं। इसी प्रकार 81 से 90 तक जो भी होते हैं 14% होते हैं अल्प बुद्धि में आते हैं और 71 से 80 तक ये मात्र 5% होते हैं, ये मध्य बुद्धि में आते हैं और 61 से कम जितने भी होते हैं वो जड़ बुद्धि होती है, नाग बराबर 1% होते हैं ये बच्चे ऐसे। तो इस प्रकार ये था वैज्ञानिकों का प्रयोग किस पे और कैसे और सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और वीडियो लाइक जरूर करें।